हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम। स्वागत है आपका नीलम फूड रेसिपी में। आज हम मैंगो लॉलीपॉप बनाने जा रहे हैं। आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है और इसमें आपको बहुत ही कम सामान की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसे बहुत ही इजीली बना सकेंगे। तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम 3 आम ले लेंगे। इनको छील कर इनके पल्प को निकाल लेंगे और मिक्सी में पीसकर स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट तैयार हो चुका है। आम के पेस्ट को डाल देंगे कढ़ाई में। थोड़ी देर बाद इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी हमने 1 कप ली है। जब तक चीनी इसमें घुल ना जाए तब तक इसे चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर। ये चीनी घुल चुकी है, अब इसे थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। ये पेस्ट गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें कोकोनट पाउडर डाल देंगे 2 कप। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर ही पका लेंगे। इसे हम चलाते ही रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है। इसमें 1 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी डाल देंगे। टूटी फ्रूटी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अब गैस को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद इसको बॉल्स बना लेंगे। इसको हम लॉलीपॉप के साइज़ के बॉल्स को बना लेंगे। ये मेरा बॉल्स बनकर तैयार हो चुका है। इसको अब हम कोकोनट पाउडर में कवर कर देंगे। ये सारे बॉल्स कोकोनट पाउडर से कवर हो चुके हैं। इसके बाद टूटी फ्रूटी को फ्रूटी स्टिक में फंसा के इसको हम खोस देंगे। इसी तरह हम सभी को कर लेंगे। ये हमारा मैंगो लॉलीपॉप बनकर तैयार है। ये दिखने में जितना सुंदर है उससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।